नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ भूपेश टांडिया। बलौदाबाजार जिले के श्री सीमेंट फैक्ट्री में सोमवार की रात 8 बजे एक बड़ा हादसा हो गया। हादसे के पीछे सीमेंट के सुरक्षा इंचार्ज की बड़ी चूक बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि जिस जगह हादसा हुआ वहां सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं थे और न ही कोई जिम्मेदार वहां मौजूद था। साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि जिस क्रेन के बेल्ट टूटने से हादसा हुआ उसमें क्षमता से ज़्यादा मटेरियल लोड किया गया था, लेकिन कहीं ना कहीं संयंत्र प्रबंधन इस बात को दबाने की कोशिशों में लगी हुई है। हम आपको बता दें कि बीती रात के हादसे में दो मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, साथ ही सात मजदूर घायल हो गए, जिसमें चार मजदूरों को इलाज के लिए बलौदाबाजार जिला मुख्यालय स्थित चंदा देवी तिवारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है सोमवार की रात श्री सीमेंट प्लांट के निर्माणाधीन तीसरा यूनिट में रात 8 बजे के वक्त काम चल रहा था। वहां करीब 60 मजदूर काम कर रहे थे। श्री सीमेंट में एक निर्माणाधीन साइलो जो है टूट गया था, जिस कारण से लोहे का सामान जो है गिर गया है। उसमें दो मजदूर की डेथ हो गई है। उन दोनों में से एक बलरामपुर का है और एक झारखंड का है, और 6 लोग घायल हुए हैं, जिसमें अधिकतर लोग गढ़वा झारखंड के हैं। और फिलहाल इनकी स्थिति अभी स्टेबल है, कोई खतरा नहीं है। दो लोगों की मौत हुई है और इन लोग को सामान्य चोटें आई हैं। कैसे हुआ हादसा? सैलो में लोग काम कर रहे थे और क्रेन जो है छड़ का बंडल ऊपर सैलो में रख रही थी। सैलो की बाड़ी से क्रेन टकरा गई और रोप उसका टूट गया, तो छड़े नीचे गिरी और छड़े जो नीचे गिरी वहाँ पे नीचे काम कर रहे लोगों के ऊपर छड़े गिरी, और जिससे दो लोग मौके पे बहुत हो गए। Horizon Hospital, विश्व स्तरीय मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अब रायपुर के हृदय स्थल में उपलब्ध। जटिल ऑपरेशन, क्रिटिकल केयर व आधुनिक इमरजेंसी सेवाएं, आपकी हर बीमारी का संपूर्ण इलाज। Horizon Hospital, जलविहार कॉलोनी, कटोतला, रायपुर।